हाँ जी आत्मिक स्थिति ही अव्यक्त स्टेज है, देह की याद व्यक्त स्टेज है। व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे, और अव्यक्त माने जो इन आंखों से दिखाई न दे। और सांप रक्षा करता जा रहा था। वो सर्प कोई दूसरा नहीं है, वो सात फनों वाला सर्प है। सात नारायण ही वो रक्षा करने वाले हैं। ये सात नारायण किसके पीछे पीछे आते हैं? है सतयुग में फर्स्ट कृष्ण जो होता है उसके पीछे सात नारायण आते हैं, वो उसके फॉलोअर्स हैं। तो रक्षा तो करेंगे ना, परंतु वो सात फलों वाला अनंत नाग, अनंत भगवान भक्ति मार्ग में कहा जाता है, वो कौन है? और जिसकी रक्षा करता है वो कौन से समय की बात है? सतयुग की बात है या संगम युग की बात है? तो संगम युग कृष्ण और सतयुग के कृष्ण, ये दो का ही खेल है। संगम युगी कृष्ण को कौन रक्षा करता है? कंसी जरासंधियों से रक्षा करता है। अज्ञान की जो बाढ़ आती है उस बाढ़ से रक्षा करता है। कौन है रक्षा करने वाला? है अरे संगमयुगी कृष्ण ही असली कृष्ण है। संगमयुगी कृष्ण अर्थात कौन सी आत्मा? राम वाली आत्मा। और सतयुगी कृष्ण जिसके पीछे सात नारायण लगे हुए हैं, वो कौन सी आत्मा है संगम युग में? दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा, वो ही रक्षा करती है, वो ही अनंत नाग है। उसी को भक्ति मार्ग में कृष्ण के साथ बलराम दिखाया हुआ है, रामायण में राम के साथ लक्ष्मण दिखाया हुआ है। और फिर से बोलो। पता नहीं पड़ता। हाँ इसका अर्थ ये है कि भूत प्रेत आते हैं तो जिसमें आते हैं उसका चेहरा मोहरा बदल जाता है, क्योंकि भूत प्रेतों को सूक्ष्म शरीर होता है।
सूक्ष्म शरीर की ताकत ज्यादा होती है या स्थूल शरीर की ताकत ज्यादा होती है? सूक्ष्म शरीर की बहुत ताकत होती है, तो वो भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती है तो चेहरा मोहरा ही बदल जाता है। जिसमें प्रवेश करती है वो अपने स्वरूप को भी भूल जाता है, लेकिन शिव बाबा को अपना शरीर है ही नहीं। सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, स्थूल शरीर भी नहीं है, इसलिए वो इतना हल्का फुल्का है कि कब प्रवेश करता है कब चला जाता है, जिसमें प्रवेश करता है उसको भी पता नहीं लगता। इसलिए मुरली में बोला है, मैं कब आता हूँ कब चला जाता हूँ इस ब्रह्मा को पता चलता है क्या? नहीं, इस ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता है। बाकी गुलजार दादी में शिव तो नहीं आता, क्योंकि गुलजार दादी में जब सोल आती है तो सबको पता पड़ जाता है, उनको धक्का लगता है, शरीर हिल जाता है, चेहरा मोहरा बदल जाता है, तो सबको पता लग जाता है कि आत्मा ने प्रवेश किया। बाकी परमात्मा बाप प्रवेश नहीं करते हैं ऐसे, क्योंकि वो तो हल्का फुल्का सूक्ष्म आत्मा है। और निरंतर धारण करना अच्छा स्टेज है, जो आंख में बने आंख में बनेगा जो निरंतर स्टेज। अभी हम साकार में याद करते हैं, साकार में याद तो करते हैं, लेकिन जिसको याद करते हैं वो व्यक्त है या अव्यक्त है? किसको याद करते हैं? साकार शरीर तो व्यक्त है, आंखों से देखने में आता है, लेकिन उसके अंदर याद किसको करते हैं? अव्यक्त निराकार को याद करते हैं। वो अव्यक्त निराकार जब साकार को आप समान बना देगा तो हमें पहचानने की दरकार नहीं रहेगी, वो प्रत्यक्षता का टाइम हो जाएगा। जो देखे जो सुने उसकी बुद्धि में ये आ जाएगा, हमारा बाप आ गया। बाबा हम जो शिव माने ज्योति बिंदु आत्मा, मेरी बिंदी का नाम है शिव। वो नाम कभी बदलता नहीं है, जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। तो वो ज्योति बिंदु शिव है, दादा लेख राज में प्रवेश करता है तो नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मा नाम पड़ जाता है। फिर राम वाले व्यक्तित्व में प्रवेश करता है अंतिम जन्म में तो नाम क्या पड़ जाता है? शंकर नाम पड़ जाता है। तो मेरी आत्मा का नाम शिव है, बाकी जितनी भी आत्माएं हैं उन सबके शरीर का नाम पड़ता है। तो मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वो मुकरर रथ है, सिर्फ आत्मा है, यह शरीर के द्वारा अपने शरीर के द्वारा पार्ट बजाने वाला है, अपने शरीर के द्वारा पार्ट बजाने वाला है। वो स्वार्थी है या शिव की तरह सदैव परमार्थी है? वो भी स्वार्थी है। जिनको जिनको आत्माओं को अपना शरीर होता है वो सब स्वार्थी होते हैं। बाकी सतयुग त्रेता में स्वार्थी नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि वहां देहवान होता ही नहीं,
देह को याद करते ही नहीं, किसको याद करते हैं? आत्मा को याद करते हैं। तो हम याद करते हैं अपनी आत्मा को। पहले देह को भूल जाना, ज्योति बिंदु आत्मा को याद करना, फिर हम परमपिता परमात्मा को भी याद कर सकते हैं। कैसे याद करना है? साकार में आए हुए रथ में उस निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करना, तब ही सृष्टि का परिवर्तन होगा। क्योंकि बाप आते हैं तो कोई मकसद लेकर आते हैं, लक्ष्य लेकर के आते हैं, या ऐसे ही आते हैं? क्या लक्ष्य है? लक्ष्य ये नहीं है कि ब्रह्मा के तन में आऊं और ज्ञान सुना के चला जाऊं। क्या लक्ष्य है? पतितों को पावन बनाने का लक्ष्य है। सारी पतित दुनिया को पावन बना करके जाता हूं। तो कैसे बनावेगा? पावन में प्रवेश करके बनावेगा क्या? पावन में तो प्रवेश करने की दरकार ही नहीं। दूसरी बात, इस दुनिया में पावन कोई है ही नहीं, सब नंबरवार पतित हैं। तो मैं किस में प्रवेश करूं? है इस दुनिया में मैं जरूर उसमें प्रवेश करूं जो सबसे जास्ती पतित बना हो। उस बड़े से बड़े पतित कामी कांटे को पावन बनाऊं तो दुनिया में नाम वाला होता है कि पतित से पतित को भी क्या बना दिया संग के रंग से, बड़े से बड़ा फूल बना दिया। तो परमात्मा बाप के संग में जो भी आवेगा वो भी क्या बनेगा? फूल ही बनेगा। और याद और योग के अंदर अंतर कुछ नहीं? योग अक्षर सन्यासियों का है, हठ योगियों का है। हमारी गृहस्थ व्यवहार में योग अक्षर नहीं है। क्या है? याद है। बच्चा पैदा होता है तो माँ की याद करता है, थोड़ा बड़ा होता है तो मित्र संबंधी याद आने लगते हैं, मोहल्ले पड़ोस के दोस्त याद आने लग पड़ते हैं। फिर स्कूल में भर्ती किया जाता है तो टीचर याद आता है। पढ़ाई पूरी होती है, फिर नौकरी पेशा करता है, धंधा करता है तो धंधी धोरी के लोग याद आने लग पड़ते हैं। तो आत्मा का स्वभाव है कोई न कोई को याद करना। अभी तक जो याद करते आए वो देहधारियों की याद थी। उन देहधारियों की याद से देह विनाशी है तो याद करने वाले का भी क्या हाल होगा? विनाशी बन जाएंगे। अब बाप आकर क्या बताते हैं? याद ही करना है, लेकिन याद को कन्वर्ट कर दो। देह को याद न करके, अपनी देह को याद न करके, संबंधियों की देह को याद न करके किसको याद करो? ऐसे को याद करो जिसको अपनी देह है ही नहीं। अपनी देह तो नहीं है परंतु मुकर्रर देह में आता है या नहीं आता है? आता है। तो दो बातें हो गई, एक तो मुकर्रर देह
व्यक्त है और एक अव्यक्त है, तो किसको याद करें? है साकार में निराकार को याद करें, लक्ष्य हमारा निराकार को याद करने का है या साकार को याद करने का है? वैसे भी माँ बच्चे को याद करती है, बच्चा स्कूल में गया है तो माँ की बुद्धि कहाँ चली जाती है? स्कूल में चली जाती है। बच्चा बड़ा हो गया, विलायत में पढ़ने चला गया, बाप बच्चे को याद करता है तो बाप की बुद्धि कहाँ चली जाती है? विलायत में जाती है कि नहीं? स्थान से भी कनेक्शन है या नहीं है याद का? स्थान से भी कनेक्शन है। तो ऐसे ही शिव ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आया हुआ है तो कोई धाम है उसका या नहीं है? मुकर्रर धाम के चार चार धाम में चक्कर लगाने हैं है? एक ही धाम है, ऊंचे ते ऊंचा धाम है। उस धाम का नाम का क्या दिया? नहीं, माउंट आबू। क्या? आ बू, सारी दुनिया की बदबू जिसमें इकट्ठी हो जाए, सारी दुनिया की ग्लानी जिसके ऊपर थोप दी जाए, उसमें बाप आते हैं। शास्त्रों में नाम क्या दे दिया है? उस अवतार का कोई नाम दिया है? कलंकी धर नाम दिया है। तो तुम बच्चे भी नंबर वार कलंकी धर हो, क्योंकि बाप आते हैं कलंक को धोने के लिए। ब्राह्मण का काम है सेवा करने, इसकी बुलावाए संगम पर जो राजा ही ले लेता है सेवा के बदले में, उनको सत्युग में राजा नहीं मिलता। परंतु ये प्रकाश पंडा जी का संगम पर जो राजा ही ले लेता है उसको सत्युग में राजा ही नहीं मिलती है, है? नहीं मिलती है। राम वाली आत्मा है, संगम में विश्व की बादशाही ले लेगी तो क्या सत्युग में पहले ही दूसरे तीसरे जन्म में जाके प्रजा वर्ग में चली जाएगी? जाएगी? नहीं जाएगी, राज परिवार में ही रहेगी। हाँ, अगले सतयुगी जन्मों में उतना ऊंचा पद नहीं बनेगा जितना संगम में बना है। हर जन्म बाई जन्म नीचे उतरते जाएंगे, नीचे उतरते उतरते त्रेता के आदि में और सतयुग के अंत में प्रजा वर्ग में चले जावेंगे। राम राजा राम प्रजा, और प्रजा वर्ग से फिर क्या बन जावेंगे? फिर राजा बन जावेंगे। तो ऐसे नहीं है कि संगम युग में जो प्राप्ति कर लेते हैं वो सतयुग में प्राप्ति नहीं करेंगे। हाँ, अरे क्या हो गया? कुमार का दादी के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ जी, माताएं कुछ कह रही हैं। आगे तक आवाज नहीं आई, क्या बोला? ये क्या कौन कौन हो रहा है? है क्या बोला? यमुना के कंठे पर राज्य होगा,
हाँ इसका रहस्य यही है कि जब बाप आते हैं राजधानी स्थापन करते हैं तो राजधानी कहाँ स्थापन होती है दुनिया में है कहाँ स्थापन होती है ऐसे स्थान पर राजधानी स्थापन होती है जो बहुत पतित बन जाती है। यमुना का कंठा है, यमुना अभी ऐसी नदी है जहां 7 नाले इकट्ठे गिरते हैं, इतना गंदला पानी हो जाता है, पतित से पतित स्थान है। उसको आकर के परिस्थान बनाते हैं, परिस्थान नाम देते हैं। पतित को पावन बनाना ही परमात्मा बाप का काम है। जास्ती पतित माताएं बनती है या पिताएं बनते हैं? माताएं। कौन पतित बनाता है? पिताएं ही बनाते हैं। तो यमुना का कंठा है, 3 नदियां हैं, तीनों नदियों में सबसे जास्ती गंदला पानी किसका होता है? यमुना का गंदला पानी होता है। क्यों? क्योंकि यमुना की जो मिट्टी है वो गंगा की मिट्टी के मुकाबले अलग मिट्टी है कि गंगा जैसी मिट्टी है? गंगा की मिट्टी थोड़ा सा पानी डालो तुरंत धुल जाएगा, और यमुना की मिट्टी देह अभिमान की ऐसी है, एक बार चिपक गई तो जल्दी छूटने वाली नहीं है। ये देह अभिमानी की मिट्टी की बात है। जरूर यमुना कौन से धर्म से कनेक्टेड है? इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है। सबसे जास्ती रावण राज्य में पुराना धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। तो सबसे जास्ती पतितपना भी किस में आता है? इस्लाम धर्म में ही आता है। तो ऐसे कोई आकर के भगवान बाप राजधानी बनाते हैं। राजाओं की धारणा शक्ति ऐसी जगह इकट्ठी होती है, उसको कहते हैं यमुना का कंठा। और अब आप फिर डाइवर्ट कर दो, इसलिए हम धीरे लगते हैं, इसलिए हम दोबारा बोलते हैं। जो रामबाई आत्मा का जो एग्जाम्पल आप दिए, रामबाई आत्मा तो गुरु ने बोला है, भगवान बोले आई वॉज बोर्न टू ग्रेट सैडनेस, उसी को तो वायदा किया है संगम पर। राम ने अपने तो रोल वादा किया कि आई एम द मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, इसी रोल ही वो वायदा किया है सारा जीवन संगम, सारा संगम जो मेरे कहने बात को तो उठता संगम पर जो राजा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी जिसके बारे में बोलते थे वर्धन प्रकाश दास प्रकाश में, वो संगम पर तुमने राजा कर लिए, जैसे और डॉक्टर की अपना कर लिए, उनको कैसे सत्युग में राजा? उनको जो राजाई सत्युग में मिलती है उसका भक्ति मार्ग में कोई गायन पूजन यादगार मंदिर बनता है? है? नहीं बनता है। वो राजाई कोई काम की नहीं। जो गायन होता है
पूजन होता है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, सारी महिमा होती है वो संगम युगी और सतयुगी फर्स्ट नारायण की होती है। तो आपकी बुद्धि में ऊंचाई कैसे बैठी हुई है? वो ऊंचाई नहीं है, संगम युगी और सतयुग की फर्स्ट नारायण। संगम युग से ही सतयुग शुरू होता है, जो शुरू होता है वही सत्व प्रधान है, बाकी बाद में तो नीचे गिरता है, गिरती कला है या उठती कला है, वो सातों ही नारायण गिरती कला के हैं, कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, कमजोर बनने और दूसरों को कमजोर बनाने वाली आत्माएं हैं। उनकी महिमा बुद्धि में नहीं बैठनी चाहिए कि वो ज्यादा प्राप्ति करने वाली आत्माएं हैं, वो प्राप्ति करने वाली आत्माएं नहीं है, प्राप्ति को घटाने वाली आत्माएं हैं। असली आत्माएं तो हीरो हीरोइन की आत्माएं हैं, राम और कृष्ण की आत्माएं हैं, जो देवी देवता सनातन धर्म से निकलते हैं। और पृथ्वी में जो पांच तत्व है, पृथ्वी को कन्या माता से पूर्ण करती है, पृथ्वी को पृथ्वी को कन्या माता से पूर्ण करती है, जैसे आकाश जल वायु पूर्ण कौन है? कौन कौन है? आकाश, आकाश तो बाप है, सबसे ऊंचा है, धरती को आकाश पुकारे, धरती को कौन पुकारेगा? धरती माता को कौन पुकारेगा? बाप ही पुकारेगा, तो आकाश बाप हो गया, धरती माता हो गई, बाकी सब बच्चे हो गए, जल देवता, वरुण देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये क्या है? ये बच्चे हैं। धरती को भी रावण कंट्रोल में कर लेता है, धरती माता कहो सीता माता कहो, कौन कंट्रोल करता है? रावण कंट्रोल करता है। जब धरती को ही कंट्रोल कर लिया तो धरती की गोद में पलने वाले जो बच्चे हैं जलवायु अग्नि आदि देवता, वो रावण की पाती से बांध दिए जाते हैं। रावण अपनी पाटी से बांध करके उनको इशारा करता है, हे वायु स्विच दबाया चलो, तो चल पड़ता है, स्विच दबाया पानी छोड़ दिया जाता है, तो पूरा कंट्रोल है रावण का, आकाश के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो लड़ाई हो जाती है। और खाना पकाने के समय तो शास्त्र में आदमी पूजा में लगते हैं, जिसकी पूजा करते हैं वो कभी संपन्न और चैतन्य में रहा होगा या जड़ाग्नि की पूजा करते हैं, जड़ की पूजा करते हैं, अग्नि देवता चैतन्य रहा होगा उसकी पूजा की बात है या जड़त्व की पूजा की बात है? चैतन्य रहा होगा। और अरे नंबर वार नहीं, अब्बल नंबर का काम ही काटा, नंबर वन, हाँ नंबर वन काम ही काटा है। अरे ग्लानी किसकी उड़ेगी? कृष्ण काला है तो ग्लानी उड़ेगी कि कृष्ण गोरा हो जाता है तो ग्लानी उड़ती है, तो यही प्रूफ है। ग्लानी सबसे जास्ती किसकी होती है? ब्रह्मा की होती है, बच्चों की होती है कि बाप की होती है? वो निराकार ज्योतिबिंदु बाप की होती है या साकार मनुष्य सृष्टि के बाप की ग्लानी होती है? साकार मनुष्य सृष्टि के बाप की ग्लानी होती है।
हम बच्चे तो इसका कुछ देख नहीं पाते हैं। हम बच्चे तो इसका कुछ देख नहीं पाते। तुम्हें निश्चय आता है या निश्चय आता है कि नहीं? निश्चय आता है। निश्चय आता, अनिश्चय नहीं आता? झूठे। लेकिन बाप का तो शिव जी के मंदिर में चारी पांच सौ परिक्रमा करने के लिए क्यों मारी लोग मना करते हैं? सभी मंदिर में तो चार पांच सौ घूमते परिक्रमा करते हैं, फिर शिव जी के मंदिर में 3-5 सौ घूमने के बाद क्यों मना करते हैं? शिव के मंदिर में शिव के साथ किसकी पूजा होती है? शिवलिंग जहाँ रखा हुआ है, शिवलिंग के साथ कौन रखा हुआ है? जलाधारी रखी हुई है, पार्वती माता की पूजा होती है। तुम सात पार्वतियां हो, वो पार्वतियां जो पार लगाने वाली हैं, वो पार लगाने वाली को बड़े से बड़ी पवित्र बनाने वाली नदी कहेंगे, सागर से मिलने वाली नदी है या नाला है? क्या बुद्धि में समझना चाहिए? वो नाली है, नाला है या बड़े से बड़ी नदी है? क्या है? है? अरे बोलो तो, उसको क्या समझना चाहिए? नाला है तो क्रॉस कर लो, क्रॉस करना ही अच्छा है, डूब जाएंगे। और वो तो बड़े से बड़ी नदी है, नीची दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। इसलिए भक्ति मार्ग में और मंदिरों की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा में पूरा पार कर जाते हैं, लेकिन शिव की नाली को पार नहीं करते हैं, वापस लौट जाते हैं। शिव के मंदिर में जो नैवेद्य चढ़ाया जाएगा वो झूठा हो गया। किसका खाया हुआ हो गया? है? किसने खाया? उसने खाया जो सारी दुनिया का विष पीता है। तो जो विषैले मुख में जो चीज चली गई उसको स्वीकार करना मरने की बात है। शिव के ऊपर जिनको अर्पण कर दिया गया उनको अगर किसी ने भोग लगा दिया, भोग लिया यानी शादी कर ली, तो क्या होगा? पुरुषार्थ की बर्बादी हो जाएगी। उस बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव के ऊपर जो अर्पण किया जाता है उस अर्पण किए हुए को कोई हाथ लगा करके मुख में नहीं रखता है। उसको भोगना अच्छी बात नहीं है, पुरुषार्थ चौपट हो जाएगा। और रामबली आत्मा है अभी जल चुके और उसी टाइम शिव बाप कहाँ रहते? शिव बाप कोई रहने करने की बात नहीं है, शिव बाप सूक्ष्म है या स्थूल चीज है? वो तो यहाँ पतित तन में, पतित दुनिया में प्रवेश करते हुए भी मन बुद्धि से ऊंची स्टेज में ही रहता है या नीची स्टेज में रहता है? है? ऊंची स्टेज में है सदैव। उसके लिए ये नहीं कहेंगे कि वो नीचा है। इसलिए कहते हैं तुम सदैव यही समझो कि इसमें हमको कौन डायरेक्शन देते हैं? शिव बाबा ही डायरेक्शन देते हैं। कभी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि शिव बाबा तो परमधाम चला गया होगा, ये डायरेक्शन तो साकार ने दिया है। बाबा कहते हैं
अगर इसने उल्टा सुल्टा कुछ डायरेक्शन दिया भी है तो उसका जिम्मेवार मैं हो जाता हूं। तुम शिव बाबा को ही याद करो, तुम पतित को याद मत करो। और अलकानंदा हाँ जी, दोनों नदी एक प्रयोग में मिलित होकर के गंगा नदी का नाम धारण किया है। हाँ, उसका वैसे अर्थ अलकनंदा टेहरी बांध जहां बनाया गया है, क्या नाम दिया? टेहरी बांध। वहां दोनों नदियां मिलती हैं, दोनों नदियों का पानी इकट्ठा हो जाता है, अलकनंदा नाम खत्म हो जाता है। क्या नाम पड़ता है? भागीरथी नाम पड़ जाता है। भाग्यशाली रथ के द्वारा निकाली हुई नदी है। आती दोनों नदियां हैं ऊपर से, परंतु भागीरथी कहां से आती है? गौमुख से आती है, अर्थात गंगा कहां से आती है? गंगा को जन्म देने वाला कौन है? गौमुख। वो गौ कौन सी है? कौन सी गौ प्रसिद्ध है? है कामधेनु गौ प्रसिद्ध है। तो यादगार भक्ति मार्ग में दिखाई हुई है, जब कामधेनु गौ की ऊंची स्टेज होती है तब गंगा निकलती है। उस ऊंची स्टेज पर कोई कोई ही जा पाते हैं। गंगा गौमुख से जब नीचे आती है तो नाम पड़ता है गंगोत्री, अर्थात गंगा उतरी, ऊंची स्टेज में नहीं रही। तो गंगोत्री और अलकनंदा ये अलग अलग नदियां हैं। ज्यादा पावरफुल कौन सी है? है जैसे गंगा यमुना सरस्वती, तीनों नदियों में ज्यादा पावरफुल कौन है? गंगा ज्यादा पावरफुल होने के कारण यमुना नदी और सरस्वती नदी अपने अस्तित्व को गंगा में मिक्स कर देती है। ऐसी गंगा ज्यादा पावरफुल होने के कारण जो भागीरथी कही जाती है उसमें अलकनंदा अपने को तिरोहित कर देती है। और देसी बोले जो टाइम देगा खुला के ले जाते हम लोग इस समय बोले को रोक नहीं जाएगा है? ब्रह्मा बाबा को बेसिक में दीदी दादियां गुलजार दादी में बुलाती हैं। हाँ, कहाँ ले जाते हैं? ले कहीं थोड़े ही जाते हैं, बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। हाँ हाँ, इस समय हम लोग को बुला के तो रोक नहीं पाएंगे ब्रह्मा बाबा, रोक नहीं पाएंगे। आप ब्रह्मा से प्राप्ति करने वाले हैं, आप ब्रह्मा को आवाहन करने वाले हैं या छोटी माँ को आवाहन करने वाले हैं? आपका लगाव किससे है जन्म जन्मांतर का? फिर आपकी इच्छा है तो उसकी गोदी में जाओ जिसकी गोदी में सारे राक्षस जाते हैं। सारे राक्षसों ने किससे प्राप्ति की? ब्रह्मा से प्राप्ति की। तो वो ब्रह्मा को आवाहन करते हैं। आपकी भी इच्छा है
तो आप भी जा सकते हैं। अरे जा सकते नहीं तो जाकर भी इतना समय लगा भी बच्चे को बच्चे पर सांत्वना देने पाए ना। आपको सांत्वना लेनी है, आपको ब्रह्मा से सांत्वना लेनी है, नहीं चाहिए तो बचा लिया बाबा ने। आप बचना नहीं चाहते, फिर याद आ रहा है, है? जो वापस आते ऐसा होते हैं, हम लोग को पुकार देते हैं बेसिक वाला विजय माला को ना। बेसिक वाले कहाँ विजय माला को पुकारते हैं? नहीं नहीं, हम लोग को आते हैं तो विजय माला को पुकारते हैं। हाँ टाइम जाते हो गया ना। हाँ आपने तेजी से नहीं बुलाया होगा इसलिए नहीं आती है। आप जब पूरी शक्ति लगा करके आवाहन करेंगे तो क्यों नहीं आवेंगे? कोई भगवान थोड़े ही है, भगवान बुलाने से नहीं आता है, बाकी जो भी है आवाहन करने से आते हैं। और हाँ क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? खड़े हो जा। आत्मा वो तो जैसी आत्मा होगी वैसे रास्ते से जाएगी आएगी। पतित आत्मा होगी तो पतित रास्ता पकड़ेगी, पावन आत्मा होगी तो पावन रास्ता पकड़ेगी। पावन इंद्रियां भी है और भ्रष्ट इंद्रियां भी है। मरते समय याद आने की बात है, अंतमते सोगते, सारा जीवन जो याद करते रहे वो ही रास्ते में जाना है। हॉस्पिटल में चले जाओ, हॉस्पिटल में जाओ और उनको बोलो कि आओ हम तुमको 21 जन्म के लिए निरोगी बना दें। 21 जन्मों के लिए निरोगी बना। हाँ सवाल नहीं बोले अभी। हाँ तो फिर बोले कि तुम्हारा अभी अगर रोग होता है तो वो होता रहे। तुम्हारा रोग होता है तो होता रहे, बीमारी अगर होता है तो वो होता रहेगा। हमारा हम बच्चों का रोग होता ही रहेगा। हाँ हॉस्पिटल जाना। हाँ हॉस्पिटल में जाकर के उन लोगों को समझाओ तो इक्कीस जन्मों के कैसे निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्मों की निरोगी तब बन जाएंगे जब हम बीज को पानी देंगे। वो किसको पानी देते हैं, किसकी परवरिश करते हैं? शरीर की परवरिश करते हैं। पत्तों को पानी देने से पौधे को पावर मिलेगी क्या? है नहीं मिलेगी। पानी किसको देना पड़े? बीज और बीज से निकली हुई जड़ों को पानी देना पड़े। तो बीज को पहचानना है, वो बीज की पहचान सिवाय बाप के कोई दे ही नहीं सकता। तो बीच में अगर पानी देंगे तो शरीर निरोगी हो जाएगा इसी जन्म में? कौन से पानी की बात है? फिर भगवान बाप आते हैं तो मनुष्य सृष्टि का कौन सा बीज है जिसमें पानी देते हैं? कौन सा बीज है जो पानी को धारण करता है?
जिससे सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ सरज सब्ज हो जाता है। कोई बीज है, है? प्रजापिता है। शंकर का ऐसा पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। इसका मतलब शंकर का जो पार्ट है इंद्रियों को कंट्रोल करने का, अमोघ वीर्य होने का, वो तुम जैसी दृष्टि और वृत्ति वाले हो, जन्म जन्मांतर की जैसी दृष्टि और वृत्ति रही है वैसे ही समझोगे। समझने वाले एक जैसे हैं या नंबरवार हैं? नंबरवार हैं। अमोघ वीर्य का मतलब ये है कि जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब भोगी हैं। परमपिता परमात्मा शिव सब में नहीं प्रवेश करता है, वो सिर्फ एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। उसी को सबसे जास्ती संघ का रंग लगता है, निराकारी स्टेज का। तो कर्मेंद्रियां निराकारी बनेंगी, जल्दी निराकारी बनेंगी या साकारी ही बनी रहेंगी? निराकारी बनती हैं। जब कर्मेंद्रियां निराकारी स्टेज को धारण करती हैं, तो जो शक्ति है कर्मेंद्रियों की वो छीण नहीं हो सकती। लेकिन इसमें टाइम लगता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये याद की मेहनत है। याद की मेहनत का मतलब ये नहीं है कि शिव प्रवेश करता है तो याद रहती है। नहीं, शिव कोई पक्षपाती नहीं है कि ब्रह्मा में प्रवेश करेगा तो ब्रह्मा को जास्ती याद आएगी, शंकर में प्रवेश करेगा तो शंकर को जास्ती याद आएगी। नहीं, ये अपने अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। पूर्व जन्मों में जिस आत्मा ने जितना जास्ती सात्विक स्टेज का पार्ट बजाया होगा वो उतने ही सात्विक ज्ञान को पकड़ करके रहेगी। जितना ज्ञान गहराई से होगा उतनी याद भी गहराई से आवेगी। निराकार की याद निराकारी निर्विकारी स्टेज बना देती है। नहीं तो इंद्रियों में विकार पैदा होने से इंद्रियां दुखदायी बन जाती हैं। जब इंद्रियां दुखदायी बन जाती हैं, तो शक्ति छीण करेंगी या शक्ति को प्रजर्व करेंगी? शक्ति छीण हो जाती है। दूसरों को दुख देने से आत्मा की शक्ति तेजी से छीण होती है। और बाबा ठीक नहीं है? क्यों ठीक नहीं है? वो माँ की वाणी नहीं है क्या? गुलजार दादी के द्वारा जो वाणी चलती है वो ब्रह्मा माँ की वाणी है या नहीं है? है तो माँ की भी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? और न मानने का कोई कारण तो निकले। ब्रह्मा की जो वाणी गुलजार दादी के द्वारा चलती है, कोई एक भी ऐसा वाक्य निकालो जो मुरली के महावाक्यों के बरखिलाफ जाता हो। ऐसा एक भी वाक्य है क्या? है नहीं है? वो माँ को पकड़ने से हम राक्षस कैसे बने? है माँ को पकड़ने से राक्षस कैसे बने? हाँ, क्योंकि वो सिर्फ धारणा की वाणी है, वो ज्ञान की वाणी नहीं सुनाती है। माँ धारणावान होती है या नहीं होती है? धारणावान होती है, लेकिन ज्ञान नहीं है।
तो ज्ञान न होने के कारण सारा डब्बा गोल हो जाता है। इसलिए ये नहीं कहा कि सिर्फ माँ की वाणी को ही मानो, क्या कहा, माता पिता दोनों की वाणी को फॉलो करो। और प्रवेश करता है तो 7 वर्ष तो नहीं हुआ, ब्रह्मा भाव को 7 वर्ष हुआ जो दादा रखराज को, और सर्वकाम को 7 वर्ष हुआ, राम वाली आत्मा अभी जो प्रवेश करते हैं 7 वर्ष। राम वाली आत्मा में जो प्रवेश करते हैं वो राम वाली आत्मा बेहद के ज्ञान में चली जाती है कि हद के ज्ञान में रहती है, तो आयु भी बेहद की हो जाती है, वो 60 साल 6 वर्ष के बराबर हो जाते हैं, 70 से लेकर के 75 तक, ये 6 साल हुए, ये 6 साल हद के हैं या बेहद के स्टेज के हैं, बेहद की स्टेज के हैं। इसलिए 60 साल में जो काम होता है वो 6 साल के अंदर पूरा हो जाता है। और ज्ञान चंद्र जो गुर्जर रथ में प्रवेश करता है, फिर शंकर वाली आत्मा में प्रवेश करता है, और जगन्मा में भी प्रवेश करता है, हाँ? कैसे प्रवेश करता है तीन जगह? एक गुलजार दादी में जो प्रवेश करता है उसके लिए कारण बताया कि बचपन से ही गुलजार दादी बहुत आकर्षण वाली थी और ब्रह्मा बाबा उसको बुलाते रहते थे और वो भाग जाती थी। बचपन से लेकर के बड़े होने तक भी यही क्रम चलता रहा। तो जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो उनकी आसक्ति कहाँ लगी रही? गुलजार दादी में लगी रही, अंतमते सो गति हो गई, उसी शरीर में आते हैं, दूसरे शरीर में बहुत कम। तो गुलजार दादी में जो ज्ञान चंद्रमा आता है वो सूक्ष्म शरीर से आता है, देहभान से आता है, आने का कनेक्शन देहभान का है या आत्माभिमान का है? देवान का है। और राम वाली आत्मा में जब प्रवेश करते हैं तो राम वाली आत्मा बीज रूप स्टेज वाली है या जन्म जन्मांतर जो पार्ट बजाया है उसमें देहभान का पुट ज्यादा है? है, उसका नाम ही है भारत, काय में रत, ज्ञान की बातों में ही रत, रत माने लगा रहना। तो बीज रूप स्टेज वाली आत्मा के संग में आने से वो बीज रूप बन जाती है, जैसे शिव की बीज रूप है ऐसे ही ब्रह्मा की भी बीज रूप स्टेज बन जाती है। कब आता है राम वाली आत्मा में और कब चला जाता है ये राम वाली आत्मा को भी पता नहीं पड़ता। ऐसे ही जगदम्बा, जगदम्बा भी रुद्रमाला का बीज रूप मण का है या साकार मण का है? है, बीज रूप मण का है। उस बीज रूप मणके में ब्रह्मा की सोल जब आती है तो वो भी बीज रूप स्टेज पकड़ लेती है। ये गुलजार दादी में और बीज रूप स्टेज में फर्क है। और गुलजार दादी में जब बाबा ब्रह्मा बाबा ज्ञान देते हैं उसी टाइम शंकर शंकर से निकल जाता है ना, शंकर से शंकर वाली आत्मा को गुलजार दादी के द्वारा जो बोले हुए महावाक्य हैं दोबारा पढ़ने पड़ते हैं या नहीं पढ़ने पड़ते हैं? इससे क्या साबित होता है?
कि जब गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है तो राम वाली आत्मा को पता चलता है या नहीं चलता है? हैं? नहीं पता चलता है, क्योंकि वो कार्य अलग हो रहा है, राम वाली आत्मा का पार्ट अलग है। राम वाली आत्मा का कोई भी बेसिक वालों से लगाव नहीं है। कौन सी आत्मा का लगाव है? ब्रह्मा का लगाव है। सूर्यवंशियों, जोर से बोलो ताकि सुनाई पड़े। सर्विस करना पड़ता है। क्यों? फील्ड में सर्विस करना, फील्ड में। हाँ, जो अंत तक इस सृष्टि पर काबिज रहेंगे, मर बिल्लाए नहीं जाएंगे, तो अंत तक वर्षा लेते रहेंगे या नहीं लेते रहेंगे? हैं? अंत तक वर्षा लेते रहेंगे। उनका पार्ट है सारी सृष्टि में घूम घूम के सेवा करने का। और बाबा, जिन आंखों से दिखाई पड़ता है उसको याद करना सहज है, लेकिन निराकार तो जो कुछ आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है उसको याद करना कठिन है। बाबा, लेकिन साकार को निराकार में याद करना, साकार को दिखाई पड़ता है सहज है। साकार को निराकार में याद करो, निराकार में साकार को याद करो, निराकार में साकार को याद करो, निराकार को याद करो, साकार में निराकार को याद करो। हाँ, साकार दिखाई पड़ता है, लेकिन निराकार दिखाई नहीं पड़ता, उसको याद करते। निराकार जो चीज दिखाई नहीं पड़ती है, जैसे डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर लोगों को मलेरिया का कीटाणु इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब वो यंत्र लगाते हैं तो उस यंत्र से मलेरिया का कीटाणु दिखाई पड़ता है। तो उस कीटाणु को याद करें या नहीं करें? बोलो, याद करना पड़े ना। तो ऐसे ही यहाँ है, जिनको तीसरा नेत्र मिला हुआ है उनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि सेवा ज्योति बिंदु है, इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। बाकी जिसकी जैसी स्टेज है वैसी निराकारी स्टेज में देख सकता है। कोई को बड़ा बिंदु याद आवेगा, कोई को सूक्ष्म बिंदु याद आवेगा। जैसे कागज पर बिंदु रखते हैं, तो जितना मोटा कलम होगा उतना मोटा बिंदु रखा जाएगा। बिंदु सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकता है। ऐसे ही बुद्धि से समझने की बात है के 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा रूपी बिंदु हैं, उनमें सबसे जास्ती सूक्ष्म कौन है? कौन है? शिव परम पिता परमात्मा। जितना सूक्ष्म ज्योति बिंदु होगा उतना ऊंची स्टेज में जाएगा, जितना कम सूक्ष्म स्टेज वाला होगा उतना नीचे रहेगा धरणी की ओर। जैसे पेड़ पौधों की आत्माएं हैं, जब विनाश होगा जलमयी हो जावेगी, बर्फ ही बर्फ हो जावेगी, उस समय वो पेड़ पौधों की आत्माएं मनुष्य आत्माओं के मुकाबले ऊंची स्टेज में रहेंगी या नीचे रहेंगी? नीचे रहेंगी।
और वो मनुष्य आत्मा है ऊंची स्टेज में होंगी नंबर वन। उसमें भी जो देव आत्माएं होंगी वो सबसे ऊपर होंगी। देव आत्माओं में भी जो संपूर्ण देवताएं 84 जन्म लेने वाले होंगे वो बहुत ऊंची स्टेज वाले होंगे। उनमें भी जो सतयुगी देवताओं को जन्म देने वाले हैं, संगमयुगी लक्ष्मी नारायण के राज्य में आने वाले हैं, उनकी ऊंचाई का तो कहना ही क्या। ये स्टेज कहां बनाएंगे? यहां संगम युग में बनाते हैं। और सनत कुमार को सदैव 5-6 वर्ष का दिखाते हैं। हाँ, इसका बेहद का अर्थ है कि ये मनुष्य सृष्टि की सबसे पुरानी आत्माएं हैं या नई आत्माएं हैं जो आत्मिक स्टेज धारण करती है। सबसे पुरानी है। ब्रह्मा के संकल्प से मानसी सृष्टि जब रची गई तो पहले पहले मानसी सृष्टि में किसने जन्म लिया? मनुष्य सृष्टि के ये 4 बीज हैं। देवता धर्म का बीज, इस्लाम धर्म का बीज, बौद्ध धर्म का बीज और क्रिश्चियन धर्म का बीज, ये 4 मुख्य धर्म हैं दुनिया के। इन 4 मुख्य धर्मों की 4 बीज रूप आत्माओं ने मानसी सृष्टि में ब्रह्मा से जन्म लिया। कब से जन्म लिया? कब से जन्म लिया? कोई टाइम फिक्स है संगम में? नहीं। 76 में तो वो 6 साल के हो गए, तो 76 में जन्म लिया या 5-6 साल पहले जन्म लिया? जन्म तो उनका पहले ही हो गया, लेकिन अपने स्वरूप की जानकारी तब होती है जब बाप प्रत्यक्ष होता है। और ब्रह्मा बाबा ही विक्रमादित्य का रोल बाबा बोलते हैं। तो विक्रमादित्य का समय में 32 पितुला थे सिंहासन में, 32 पितुला थे। और भोजराजा बहुत कोशिश करे, बहुत पूजा पाठ किए, फिर भी नहीं बैठ पाए। और 32 सिंहासन में नहीं बैठ पाए। नायक सुशीला एक स्टोरी बतलाने के बाद सिंहासन लेकर के उठ गए। सिंहासन का बहुत पूजा पाठ किए, फिर भी नहीं बैठ पाए। बाबा ने बोला है शास्त्रों में सारा भूसा भरा हुआ है। इस टीवी में भी जो दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं? भूसा ज्यादा दिखाते हैं। उसमें से बाप जब आते हैं तो उस भूसे में से दाना दाना निकालते हैं, सार सार की बातें निकालते हैं। कुछ बातें सार की ब्रह्मा के द्वारा निकालते हैं शास्त्रों में से। वो मुरली में शास्त्रों की बातें आई हैं या नहीं आई हैं? आई हैं। तो उन सार की बातों पर मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। कुछ बातें टीचर के रूप में जब व्याख्या देते हैं तो शास्त्रों की बातें क्लैरिफिकेशन में आई हैं, सार रूप में बताई है। बाकी बातों में जावेंगे तो बुद्धि में क्या भर जाएगा? भूसा भर जाएगा। बाबा, आपने बाबा ने बोला है कि मैं कोई बच्चों में प्रवेश कर सेवा कर सकता हूँ,
कोई बच्चों में प्रवेश कर सेवा करता हूँ। तो वो जो जिसको बात का परिचय है उसमें है? जिसको जिस बच्चों को बात का परिचय है उसमें ही प्रवेश करते हैं या और कोई जिसका पास परिचय नहीं है उसमें भी प्रवेश करते सेवा करते हैं? जो बाप का बच्चा ही नहीं बना उसमें कैसे प्रवेश करेंगे? वो बीके वाले में ये घुस के सेवा कर सकते हैं? बीके वाले जो हैं वो बाप के बच्चे हैं, बाप को जानते हैं, बाप के घर में जाके जन्म लिया। अरे बच्चा पैदा होता है तो किसके घर में जाके जन्म लेता है? बाप के घर में जाके जन्म लेता है, बाप की घरवाली उसके बुद्ध रूपी पेट में जाता है, बाद में जन्म लेता है। तो जो भी एडवांस के बच्चे हैं वो बाप के घर में जाके जन्म लेते हैं या ऐसे ही बच्चे बन जाते हैं? है? बाप के घर में जन्म लेना पड़े। जैसे जन्म लेते हैं तो जन्म लेने से पहले गर्भ में रहना पड़ता है, 9 महीने गर्भ में रहते हैं तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है, ये भी बेहद का गर्भ है। 7 दिन में 1 दिन आना 1 दिन जाना, 9 दिन बाहर की दुनिया से बुद्धि का कनेक्शन कट हो जाता है, फिर बच्चे की पैदाइश होती है। हाँ कॉम्बाइंड होकर प्रवेश कर सकते हैं? बाप अकेले प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो बाप अगर कॉम्बाइंड होकर कॉम्बाइंड होकर प्रवेश कर सकते हैं? ये बाप की प्रवेशता दादा के साथ है। बाप और दादा कंबाइंड हैं या अलग अलग हैं? कंबाइंड हैं। बाप कौन है? है? बाप कौन है? शिव बाप है। अगर शिव बाप है तो दादा कौन है? आत्माओं के बीच में बड़ा पार्टधारी कौन है? राम वाली आत्मा। इस रूप में अगर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर देखेंगे तो शिव बाप है आत्माओं का और राम वाली आत्मा दादा है। अगर भाई बहन के रूप में देखेंगे तो राम वाली आत्मा में शिव बाप प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष होता है, वो बाप है, और ब्रह्मा वाली आत्मा दादा है, ये बाप दादा है। राम और कृष्ण बाप दादा हैं। समझने समझने का फेर है। प्रवेश कौन करता है? कौन प्रवेश करता है? नहीं, राम वाली आत्मा में कौन प्रवेश करता है? सिर्फ राम वाली आत्मा में सिर्फ शिव ही प्रवेश करता है या चंद्रमा भी प्रवेश करता है? चंद्रमा भी प्रवेश करता है, इसलिए शंकर के माथे पर सदैव चंद्रमा भी दिखाते हैं।